पेंशनधारी थे मैं, उसके बाद जो मिला पंचायत से अब तक नहीं मिला फिर। उसके बाद बैंक अकाउंट उन्होंने कहा, सेवक जी कहा, मुखिया जी कहा कि बैंक अकाउंट खोजिए खोलिए। उसके बाद बैंक अकाउंट भी खोले, उस पर भी नहीं आया। आज से 6 साल से हमको पेंशन नहीं मिला। उसके बाद प्रक्रिया ब्लॉक की है, ब्लॉक में वीडियो साहब को दिए दरखास्त। वीडियो साहब बोला कि होगा काम, अब तक नहीं हुआ। उसके बाद फिर बड़ाबू के पास गए, वहाँ भी नहीं हुआ काम। उसके बाद फिर लौट के अपना पंचायत आए, पंचायत में मुखिया जी को बोले, मुखिया जी भी बोला हो जाएगा काम, देखिए अब तक कोई प्रक्रिया आ रहा नहीं इसका, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर सरपंच भी दरखास्त लिया, वो भी काम नहीं किया। फिर सदस्य भी दरखास्त लिया, भी नहीं किया। फिर 2020 घुसने बाद फिर भी फिंगल, फिर पंचायत प्रखंड फिंगल लेने आया, फिर फिंगल में दिए, वहाँ अब तक कोई पता नहीं है। ये तस्वीर और ये बयान ये समझने के लिए काफी है कि मौजूदा व्यवस्था में आप चाहे कितने भी विवश क्यों ना हो, लाचार क्यों ना हो, मजबूर क्यों ना हो, या फिर दिव्यांग ही क्यों ना हो, आपके इस हालात पर भी सरकार और सरकारी नुमाइंदे या व्यवस्थाओं की शायद संवेदना या आत्मचेतना नहीं जागेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकारी दफ्तरों से लेकर गांव के मुखिया और सरपंच तक का चक्कर काटते काटते 4-5 साल नहीं गुजर जाते। ये तस्वीर कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड के नवाबगंज पंचायत के वार्ड नंबर 3 की है, जहां के लगभग आधे दर्जन दिव्यांग पिछले 4-5 सालों से सरकारी नुमाइंदे से लेकर अपने पंचायत के हर पंचायत प्रतिनिधि से बस एक सवाल पूछते हैं कि आखिर सरकार के सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत उन्हें मिलने वाला पेंशन क्यों नहीं मिल रहा है। ये शेख माजिद हैं, इनकी पत्नी बहन किसी न किसी कारण से शारीरिक रूप से असक्षम हैं, यानी दिव्यांग हैं। सरकार ने इन्हें दिव्यांग मानते हुए आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन देना शुरू भी किया था, लेकिन 4-5 सालों से पेंशन बंद है, जिसकी वजह ना तो सुशासन के कोई नुमाइंदे इन्हें बता रहे हैं और ना ये बता रहे हैं कि क्या इन्हें भविष्य में दिव्यांग पेंशन मिलेगा या नहीं। पेंशनधारी थे मैं, उसके बाद जो मिला पंचायत से अब तक नहीं मिला फिर। उसके बाद बैंक अकाउंट उन्होंने कहा, सेवक जी कहा, मुखिया जी कहा कि बैंक अकाउंट खोजिए खोलिए। उसके बाद बैंक अकाउंट भी खोले, उस पर भी नहीं आया। आज से 6 साल से हमको पेंशन नहीं मिला। उसके बाद प्रक्रिया ब्लॉक की है, ब्लॉक में वीडियो साहब को दिए दरखास्त। वीडियो साहब बोला कि होगा काम, अब तक नहीं हुआ। उसके बाद फिर बड़ाबू के पास गए, वहाँ भी नहीं हुआ काम। उसके बाद फिर लौट के अपना पंचायत आए, पंचायत में मुखिया जी को बोले, मुखिया जी भी बोला हो जाएगा काम, देखिए अब तक कोई प्रक्रिया आ रहा नहीं इसका, वो भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर सरपंच भी दरखास्त लिया, वो भी काम नहीं किया। फिर सदस्य भी दरखास्त लिया, भी नहीं किया। फिर 2020 घुसने बाद फिर भी फिंगल, फिर पंचायत प्रखंड फिंगल लेने आया, फिर फिंगल में दिए, वहाँ अब तक कोई पता नहीं है। इसी गांव में शेख माजिद के अलावे शेख हजरत और मुस्तकीम अंसारी भी हैं। मुस्तकीम अंसारी की पत्नी लकवा से ग्रसित बताई जा रही है और मुस्तकीम अंसारी दिव्यांग हैं। और इनके बेटे परदेश मजदूरी करने गए थे, जो लॉकडाउन की वजह से परदेश में ही फंसे हैं। मुस्तकीम अंसारी का हाल शेख माजिद जैसा ही है। 4-5 सालों से सिस्टम से ये पूछ रहे हैं कि उनका दिव्यांग पेंशन क्यों रुका है, पर इस संवेदनहीन सरकार और इसके मुलाजिमों को इन दिव्यांगों का दर्द 4-5 साल बीत जाने के बाद भी शायद महसूस नहीं हो रहा होगा। इसीलिए तो किसी के कानों में इन तड़पती तस्वीरों को देखकर आज तक जू नहीं रहेंगी। 4-5 साल से पैसा नहीं मिला पेंशन, बहुत तकलीफ हो रहा है हमको। बहुत यहाँ दिए कागज, विधायक को हम वहाँ दिए पैसा, मुखिया को दिए कागज बना के, कहीं कुछ नहीं हुआ। सब भरोसा था यही होगा यही होगा यही होगा, आज तक देखते हैं ऐसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अब बेटा सब जो है, सब जो है फंसा हुआ है बाहर में, ये लॉकडाउन में कोई कमाई नहीं हो रहा है, तो हम क्या खाएंगे।
बहरहाल दिव्यांगों के सवाल पर संवेदनहीन हो चुके सिस्टम में बैठे कई जिम्मेदारों से हमने भी संपर्क किया, पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो किसी ने इस मामले में अपनी अनभिज्ञता जाहिर करते हुए अपना पलड़ा झाड़ लिया। वैसे भी वैसे सुशासन के संवेदनहीन मुलाजिमों से क्या उम्मीद और आस लगाई जा सकती है जिसे तड़पते लोगों की आवाज पिछले 4-5 सालों से सुनाई ना दिया हो। जरा सोचिएगा और सोचकर इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कीजिएगा। ताजिम हुसैन, टाइम्स न्यूज, मनिहारी।